हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से मैं आपके लिए एक यम्मी सी टेस्टी सी कद्दू की सब्ज़ी लेके आई हूँ, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो सबसे पहले आप कद्दू देख रहे हो मेरे सामने, बिल्कुल रखा ही मैंने इनको काट लिया है। 1 किलो कद्दू था मेरे पास, मैंने इन्हें काट लिया है। उसके बाद फिर मेरे पास जो इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी, तो मैं साइड पर आपको दिखा दे रही हूँ। मसाला पहला जो मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, फिर मैंने यहाँ पे कुछ 5 से 7 रेड चिली ली है जो कड़वी नहीं थी, और उसको मैंने धुल के उसमें से बीज निकाल लिया है उसको मैंने। अगर आप चाहो, अगर आप कड़वा करना चाहते हो तो बीज रखने दो, हमारे घर में लोग कड़वा नहीं खाते, तो इसलिए मैंने बीज साइड में रख दिया है, उसे फेंक दिया है। ये मैंने बिना बीज के इसको बीज खाली कर दिया है, एकदम प्लेन है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कुछ 10 से 15 लहसुन की कलियाँ ली हैं। इन तीनों चीज़ों को हमने पीस लेना है, हल्का पानी डाल के एक पेस्ट सा बना लेना है, और उसको हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पे मेथी है, थोड़ी सी मैंने मेथी ली है, तकरीबन 1 चुटकी। इसको हम बाद में मैं बताऊँगी इसके साथ आप क्या करना है। और प्लीज़ अवॉइड द साउंड जो मेरे पीछे है, वो प्लीज़ इग्नोर करिएगा उसको। आज थोड़ा सा काम चल रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बट लेट्स स्टार्ट। पहले मैं इसे पेस्ट बनाती हूँ, उसके बाद फिर हम अपनी डिश स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। तीनों चीज़ों को मैंने, मिर्चा, लहसुन और ज़ीरे को मैंने पेस्ट बना लिया फाइनली। अब हम इसकी रेसिपी की ओर चलते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख ली है, ये गर्म हो गई है। अब मैं इसमें तेल ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन मैंने उसमें 4 टेबल स्पून तेल ऐड किया है, ठीक है। अब हम इसमें अपना मेथी का जो दाने थे वो मैं इसमें डाल दूंगी। ये मेथी खिसक गई, इसको आपको जलाना नहीं है, जल जाएगी तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। आप इसे ज़्यादा मत ऐड करिएगा, क्योंकि फिर ये टेस्ट अच्छा नहीं लाती, सॉरनेस लाती है, तो इसको थोड़ा सा ही लेंगे। अब इसमें हम अपना कद्दू डाल देंगे। और आप इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भूनना तेज आंच पर, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं इसे भून रही हूँ, कंटिन्यूसली नहीं भूनना है, मतलब 1 से 30 से 40 सेकेंड के गैप से आप इसको भूनते रहेंगे 5 से 7 मिनट तक। जब ये हल्का सा गलने लगेगा तब एक मिनट में मसाले ऐड करेंगे, फिर मैं आपको दिखा रहे हैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो उसमें हल्का ब्राउन ब्राउन सा इफेक्ट आ चुका है। अब हम इसमें अपने जो मसाले पीसे हुए थे, जीरा, लहसुन और मिर्ची, वो हम इसमें ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छा सा एक मिक्स करेंगे, ठीक है। मैं 1 टीस्पून ऐड किया, ये 2 जरूरत के हिसाब से हम ऐड कर सकते हैं। आप अगर ज़्यादा मसाला खाना है तो आप इसमें ज़्यादा ऐड कर लो, लो खाना है तो लो कर लो। सही लग रहा है, मैंने इसमें 3 टीस्पून डाला है और ये मुझे परफेक्ट लग रहा है, इसमें मुझे कोई कमी नहीं लग रही है। तो अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करो, ये मुझे परफेक्ट लग रहा है। अब इसमें सॉल्ट ऐड करते हैं, पानी नहीं हम ऐड करते हैं, इसी मसाले को हम ऐसे ही भूनते हैं। उसके बाद ऐसे ही हल्के आंच पे करके इसको रेडी करते हैं, बिल्कुल भी वाटर ऐड नहीं होता इसमें। बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है ये, कुछ लोग मसाले के साथ बहुत लाइक, ये आप ट्राई ज़रूर करना, लोग बहुत तरह से बनाते हैं, बस मेरे घर में इस तरह से बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है।
आप एक बार भी जरूर इसे ट्राई करिएगा, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और बहुत ही टेस्टफुल है। चटपारे द्वारे जिसको बहुत थोड़ा सा ना चटपटा खाने की आदत है उसके लिए तो ये बेस्ट है। बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है, बहुत ही चटपटी सी है, बहुत ही टेस्टी लगती है रोटी के साथ। आप बिल्कुल ट्राई करिएगा और प्लीज़ मुझे रिव्यू में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो प्लीज़ ट्राई इट एटलीस्ट वंस। अब हम इसे कवर करते हैं लेट के साथ और इसको हल्के आंच पे भूनते हैं। अब मैं इसे लेट के साथ कवर कर दे रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका अगला स्टेप। 5 मिनट लगभग हो चुके हैं, अब हम अपना कद्दू देख लेते हैं कैसा हुआ है। बहुत अच्छा सा एक कलर आ चुका है इसमें और नमक मैंने चेक टेस्ट है, एकदम परफेक्ट है। आप अपने हिसाब से कड़वा कर सकते हैं चाहे जैसा, बट ये अमेजिंग रेसिपी है। ये मेरी मम्मा की रेसिपी है और ये मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। होप यू ऑल्सो लाइक इट। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। अब हम इसे 5 से 7 मिनट और हल्के आँच पर रखेंगे, उसके बाद हम इसे गर्म गर्म सर्व करेंगे। एंड हियर गाइस, द सब्ज़ी इज़ रेडी और इसे मैंने निकाल लिया एक बाउल में, आप ले देख सकते हो। और बहुत ही यम्मी सी टेस्टी सी रेसिपी बनी है। अब मैं जा रही हूँ अपने घर वालों को सर्व करने, आप भी जाओ बनाओ और सबको खिलाओ। बहुत ही यम्मी सी टेस्टी सी रेसिपी है, यू विल लव इट डेफिनेटली। एंड प्लीज़ कम एंड कमेंट इन द सेक्शन कि कैसी बनी थी रेसिपी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक इफ यू लाइक द वीडियो।